गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को टेक्नोक्रेट क्लासेस एंड टेक्नोमेडी क्लासेस और माय यूट्यूब चैनल मिथटेनमेंट की ओर से आप लोग को वेलकम। आज हम लोग कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल घड़ी है। हर इंसान को अपने आप को सेफ रखना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है और 2 गज की दूरी अवश्य रखना है। और बिना मतलब का घर से बाहर नहीं निकले। जब आपका कोई काम हो तभी निकले, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। और क्या कह सकते हैं, आज मैं आप लोग को प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में ट्रू लेंथ निकालने के लिए बताने जा रहा हूँ, जो 2 मेथड से बनता है। एक ट्रेपेज़ॉइड मेथड से बनता है और दूसरा बनता है आपको रोटेशन मेथड से। पहला बनता है मेथड होता है ट्रेपेज़ॉइड मेथड और दूसरा आपका रोटेशन मेथड। रोटेशन मेथड से आप अगर किसी लाइन का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू अगर बनाना है तो वो भी बनता है। जब हमारा लाइन HP के साथ और VP के साथ दोनों के साथ इंक्लाइंड हो तब ट्रू लेंथ से टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनाते हैं और टॉप व्यू से फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको ट्रेपेज़ॉइड मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए लाइन ए बी देयर टॉप व्यू 40 mm, मेक एंगल 45 डिग्री विथ द VP एंड फ्रंट व्यू 40 mm, मेक एंगल 45 डिग्री विथ द HP। ड्रा द प्रोजेक्शन एंड फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन AB। यहाँ पर आपको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दिया हुआ है और उसका एंगल दिया हुआ है HP और VP के साथ। कहता है इफ द इंड ए ऑफ लाइन AB इज 15 mm एबव द HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। इसी को ट्रेपेज़ॉइड मेथड से भी बनाएंगे, फाइंड करेंगे ट्रू लेंथ, और रोटेशन मेथड से भी फाइंड करेंगे। इसके पहले मैं आप लोग से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। मेरे तरफ से आप लोग को रिक्वेस्ट है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर 15 mm लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को टॉप व्यू 40 mm, फ्रंट व्यू भी आपको 40 mm है। आपका इंड ए 15 mm एबव द HP, 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP।
और एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। अब इसी को बनाएंगे ट्रेपोजॉइड मेथड से, कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको क्या ड्रा करना है, रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे, पहला स्टेप एक्स एंड वाई इज रेफरेंस लाइन। उसके बाद आपको लाइन ए बी का इंड ए का पोजीशन देखना है। तो इंड ए का पोजीशन 15 mm एबव द एच पी, यानी यहाँ से आप 15 mm ऊपर जाइए। ये आपका फ्रंट व्यू ए डैश। डायमेंशन अवश्य करेंगे 15 mm एबव द एच पी, यानी एच पी से ऊपर। तो सामने से देखेंगे फ्रंट व्यू, तो हमारा ए डैश यहाँ पे बनेगा। और कहता है 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, यानी यहाँ से सामने उसके 20 mm पर हमारा टॉप व्यू, 20 mm। अब क्या करना है, इस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए और इस पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए, और यहाँ पर चांद रख के 45 डिग्री से 40 mm का एक लाइन इंक्लाइंड खींच लीजिए। कितना डिग्री से, 45 डिग्री से 40 mm का, यही आपका बी डैश हो गया। क्लियर। उसी प्रकार यहाँ पर चांद रख के 45 डिग्री का एक इंक्लाइंड लाइन खींच लेंगे। ये भी कितना का है, 40 mm का। ये आपका पॉइंट हो गया बी। क्लियर। अब देखिए, अब कहता है कि हमको ट्रू लेंथ, इसका ट्रू लेंथ निकालना है, इसका ट्रू लेंथ निकालना है। तो ट्रेपोजॉइड मेथड बोलता है कि फ्रंट व्यू के इंड पॉइंट ए डैश और बी डैश पर परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर। यहां पर भी 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री, दोनों पर कितना 90 डिग्री, हर जगह हर पॉइंट पे 90 डिग्री। उसी प्रकार यहां पर भी 90 डिग्री, इस पॉइंट पे 90 डिग्री, इस पॉइंट पे भी 90 डिग्री। क्लियर। ये हमारा कितना है 90 डिग्री, ये हमारा कितना है 90 डिग्री, टॉप व्यू का इंड ए और बी पर। अब क्या करना है, 20 mm यहां से इस रेफरेंस लाइन से 20 mm इस पे कट कर लेंगे। 20 mm इस लाइन को यहां पर यहाँ पे कट कर ले, यहाँ से 20 mm मान लेते, यही हमारा 20 mm है। ये हमारा क्या हो जाएगा, A1 डैश। क्लियर। और यहाँ से इस रेफरेंस लाइन से B का टॉप व्यू इंड B का A आप यहाँ पर कट करेंगे, यानी A डिस्टेंस यहाँ पर कट कर लेंगे। मान लेते यहीं पर आ गया, ऊपर दिखाई दे रहा है, ए आपका मान लेते यहीं पे, ए आपका B1 डैश, यहां से इसको मिला देंगे, ए आपका ट्रू लेंथ निकल गया। ठीक है। अब उसी प्रकार यहां पर आएंगे, इस डिस्टेंस को यहां पर से यहां पर मेजर कर दिए, यानी ए डिस्टेंस। अब देखिए, ए डिस्टेंस अब यहाँ पर से इस डिस्टेंस को
यहाँ पर कट करेंगे, यहाँ से यहाँ, यानी 15 mm यहाँ पर लेंगे, मान लेते हैं यही हमारा 15 mm पर आ गया, और यहाँ से इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, इस रेफरेंस लाइन से इस डिस्टेंस को मेजर करके और यहाँ पर से कट कर लेंगे। ये आपका अगला पॉइंट हो गया। अब इसको मिला देंगे, ये आपका हो गया A1, ये हो गया आपका B1, यही आपका ट्रू लेंथ। इसको बोलते हैं फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ गिवन टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू बाय ट्रेपेजॉइड मेथड। ट्रेपेजॉइड मेथड से यही आपका ट्रू लेंथ निकलता है। अब आइए इसी को रोटेशन मेथड से हम कैसे बनाते हैं, रोटेशन मेथड से कैसे बनाते हैं। तो आइए रोटेशन मेथड से, रोटेशन मेथड से सेम टू सेम प्रोसेस, बट सबसे पहले क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन एक्स और वाई, इंड ए का पोजीशन यहां से कितना है 15 mm, ये हमारा ए डैश 15 mm ए डैश, और उसी से नीचे चलेंगे, कितना चलेंगे जी 20 mm, ये हमारा हो गया आपका ए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेके 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए 40 mm का एक लाइन खींच लेंगे, 45 डिग्री का, ये आपका 40 mm का, ये इंड हो गया आपका बी डैश। उसी प्रकार यहाँ पे चांद रखेंगे और यहाँ से 45 डिग्री बनाते हुए 40 mm का एक लाइन खींच लेंगे, ए हो गया आपका बी। कहता है ए इंड और ए इंड एक दूसरे के सामने होगा, क्योंकि लेंथ जो है 40 mm, इसका भी लेंथ है 40 mm, यानी फ्रंट व्यू का भी लेंथ 40 mm है और टॉप व्यू का लेंथ भी 40 mm, तो इसलिए इंड जो होगा दोनों एक दूसरे के आमने सामने होगा। अब क्या करना है, हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, रेफरेंस लाइन यहाँ से लेंगे और यहाँ पर पतला लाइन होना चाहिए, थिन, इसको मानिए X1 Y1, क्लियर। अब यहाँ पर भी दूसरा रेफरेंस लाइन X2 Y2, फिर यहाँ पर भी तीसरा X3 Y3, और यहाँ पर भी X4 Y4, रेफरेंस लाइन ड्रा कर लिए। अब कहता है कि इसका आपको ट्रू लेंथ निकालना है, तो क्या करेंगे, ये आपका यहाँ पर परकाल का कड़ा पॉइंटर रखेंगे ए पर, और बी पर पेंसिल का पॉइंटर रखेंगे, और इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, क्लियर। यहाँ पर कड़ा पॉइंटर, यहाँ पे पेंसिल का पॉइंटर, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। जहाँ पर इस रेफरेंस लाइन को कट किया वहीं तक ले जाके इंड कर देंगे, और यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे, सीधे परपेंडिकुलर यहाँ तक इस पॉइंट पे, यानी X1 और Y1 पे।
यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर चले गए। तो ए अब यहाँ से ए डैश से इसको मिला दीजिए, ए डैश से ए मिला दिए, ए आपका हो गया बी वन डैश, ए आपका ट्रू लेंथ हो गया। क्या हो गया आपका? ट्रू लेंथ हो गया। अब देखिए इसी के सामने इसको अगर मूव करते हैं, अब यहाँ पे कड़ा पॉइंटर रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल का पॉइंटर, आपका सीधे यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे आएगा और यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से सीधे परपेंडिकुलर यहाँ आएंगे रेड, और इसको यहाँ से ए से मिला देंगे, ए आपका हो जाएगा बी वन, क्लियर, यही आपका ट्रू लेंथ हो गया, क्लियर। आपका ए हो गया रोटेशन मेथड से, क्या उन मेथड से, रोटेशन मेथड, रोटेशन मेथड से क्या करना है, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ निकालते हैं। इससे आपको एक बार फिर देख लें, सबसे पहले ए डैश और ए पोजीशन निकालेंगे इंड ए का, और वहां पर से 45 डिग्री का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लेंगे। हर पॉइंट पर रेफरेंस लाइन, हर पॉइंट पे रेफरेंस लाइन, ए हमारा टॉप व्यू है, ये हमारा क्या है, टॉप व्यू है, इसका ट्रू लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पे कड़ा पॉइंटर और यहाँ पे पेंसिल पॉइंटर के करके आर्क बनाएंगे और यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से इसको मिला देंगे, ये बी वन डैश हो गया, ये आपका ट्रू लेंथ इसका निकल गया। उसी प्रकार यहाँ पर कड़ा पॉइंटर रखेंगे ए डैश पर, बी डैश से मूव करेंगे यहाँ पर आएगा, यानी X2 और Y2 पर, और वहाँ से सीधे परपेंडिकुलर X4 और Y4 पर जाएंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे, ये आपका ट्रू लेंथ इसका निकल गया, ये ट्रू लेंथ, यही रोटेशन मेथड है। अगर क्वेश्चन में आपका ट्रू लेंथ का इंक्लाइनेशन दोनों के साथ दिया हुआ रहेगा तो आप टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कैसे बनाएंगे, यही रोटेशन मेथड से, सेम टू सेम मेथड है। आइए क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा, ए लाइन ए बी देयर लेंथ 70 mm लॉन्ग एंड इंक्लाइंड विथ VP 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ HP। एक लाइन ए बी है जिसका लेंथ है 70 mm लॉन्ग एंड इंक्लाइंड है विथ VP 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ द HP, दोनों से इंक्लाइंड है। तो कहता है फाइंड द टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू इफ द इंड ए 10 mm above the HP and 20 mm in front of
वीपी, यही क्वेश्चन रहेगा। अब इसको है, यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन में था कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का इंक्लाइनेशन दिया हुआ था एचपी और वीपी के साथ। यहां पर है कि एक लाइन ए भी है उसका ट्रू लेंथ दिया हुआ 70 mm, जो वीपी और एचपी के साथ 45 डिग्री और 60 डिग्री से इंक्लाइंड है। तो कहता है कि फाइंड द टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू, या ड्रा द, कुछ भी लिख सकता है यहां पे, ड्रा द टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू इफ, कहता है इंड ए इज 10 mm एभव द एचपी, यानी एचपी से ऊपर 10 mm, और इन फ्रंट ऑफ वीपी 20 mm, यानी वर्टिकल प्लेन से 20 mm आगे है इंड ए। तो पहला क्वेश्चन दिमाग लगाना है कि सबसे पहले इंड ए का अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के थ्रू आप इसका पोजीशन को टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रा कर ले। पहला कंडीशन, इंड ए का जो पोजीशन दिया हुआ है एचपी के साथ और वीपी के साथ, उसको हमेशा सबसे पहले ड्रा करना है, किसका, इंड ए का, उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। तो आइए आगे के प्रोसेस हम लोग चलते हैं कैसे करके ड्रा होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन एक्स और वाई ड्रा कर लेंगे। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और वीडियो जो भी आप लोग देखते हैं कि आप लोग वीडियो देख के थोड़ा सा देखते हैं और लाइक कर देते हैं, अरे नहीं, फुल वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। फुल वीडियो हमेशा देखना चाहिए, जो भी वीडियो आपको अगर पढ़ाई से रिलेटेड है उसको आप फुल वीडियो देखिए, जिससे होता है कि आपके अंदर जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो जाता है। और थोड़ा सा देख के आप स्लाइड करके देखिएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए सबसे पहले इंड ए का पोजीशन, तो 10 mm क्या है, एभव द एचपी, तो 10 mm हम ऊपर चल जाएंगे, 10 mm एभव द एचपी, ये हो गया ए डैस। यहां से इसको हम आप 10 mm लिख देंगे, क्लियर। और यहां से 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो 20 mm पर यहां हमारा टॉप व्यू हो गया। डायमेंशन, मैं बार बार बोलता हूं, डायमेंशन को हमेशा दिखाइएगा। अब कहता है ए आपका 45 डिग्री टू द एचपी, 45 डिग्री से एचपी के साथ, तो यहां पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए और यहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए। 45 डिग्री का कोण बनाते हुए 70 mm का खींच लीजिए, 70 mm का, और यहां पर 60 mm का, वीपी के साथ कितना बना रहा है, 60 mm का, 60 डिग्री से 70 mm का। अब क्या करना है, हर पॉइंट पर आपको रेफरेंस लाइन खींच लेना है, हर पॉइंट पे रेफरेंस लाइन। ए आपका बी हो गया, ए आपका बी डैश हो गया। बहुत आसान है, क्या करेंगे, एक्स वन वाई वन नॉमक्लेचर कर दीजिए, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर वाई फोर, क्लियर। अब इसका टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां से सीधे परपेंडिकुलर आवेंगे, यहां इसके इंड पे, यानी एक्स थ्री और वाई थ्री पे, और यहां से सीधे इस पे रखेंगे कड़ा पॉइंटर, यहां पे रखेंगे पेंसिल का पॉइंटर,
यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से सीधे आप घुमाइए जहाँ पे कट करेगा इसको, एक्स फोर बाई फोर को वहाँ से आप इसको मिला दीजिए। ये आपका बी वन, ये आपका टॉप व्यू हो गया, क्लियर। यही प्रोसेस अब यहाँ से इस पॉइंट से सीधे ऊपर की ओर जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, एक्स टू और वाई टू तक, एक्स टू और वाई टू तक, क्लियर। वही प्रोसेस यहाँ पर कड़ा पॉइंटर, यहाँ पे पेंसिल का पॉइंटर रख के घुमाएंगे जहाँ पे कट किया वो बी वन डैश, और इसको यहाँ से मिला दीजिए। ये आपका फ्रंट व्यू, यही आपका आंसर हुआ, क्लियर। बहुत आसान है प्रोसेस, सेम टू सेम, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, फाइंड द टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू एंड ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, जब हमारा कोई लाइन या कोई टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों प्लेन से, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी और वर्टिकल प्लेन से भी अगर इंक्लाइंड हो, तो यानी दोनों पॉइंट दोनों से इंक्लाइंड हो लाइन, तो उसी के लिए ये ड्राइंग का प्रोसेस है। आगे फिर मैं कहीं आप लोग को अपडेट रखूँगा जहाँ भी प्रॉब्लम होगा। अभी इसमें एक और पर्सपेक्टिव व्यू है, उसका भी मैं डालूँगा। जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, वीडियो ज़रूर देखें और फुल वीडियो देखें और वहाँ पर पार ले और खींच ले, ड्रा कर ले। चलिए, यही आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है। एक बार फिर मैं आप लोग को सचेत करना चाहता हूँ कि कोरोना से बच के रहें, घर पे रहें, बिना मतलब का या बिना काम का बाहर नहीं निकले बाबू। कोरोना का लहर फैला हुआ है, जीवन है तो जहान है, जीवन नहीं तो जहान कहाँ है। इसलिए हमेशा मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइज ज़रूर करें और दो गज की दूरी बनाकर अवश्य रहें। अभी वायरल भी बुखार चल रहा है, तो इस नहीं कि वायरल बुखार में सीधे आया डॉक्टर के पास पहुँच गया, वायरल बुखार है, थोड़ा सा घर पर ही आइसोलेट होकर, आइसोलेशन में जाकर दवाई लें, आप ठीक हो जाएंगे। सर्दी खांसी कुछ होता है, समय चेंज कर रहा है, मौसम चेंज करता है, उससे थोड़ा सा बना के रखें। ये नहीं कि तुरतम हो गया, आप वायरल बुखार जो होता है 2-3 दिन होता है वो रहता है, आप उसके अनुसार चलते रहें, दवाई लेते रहें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप लोग को टेक्नोक्रेट क्लासेस एंड टेक्नोमेडी क्लासेस और माई मिथटेनमेंट यूट्यूब चैनल की ओर से आप लोग को भगवान अच्छा से रखे और जहाँ भी हो सुखमय जीवन व्यतीत करते, और पढ़ाई पर हमेशा ध्यान रखें। ये नहीं कि कोरोना है तो पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई हमेशा करते रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम कब ले लेगा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए बाबू एकदम से 100% आप श्योर हो जाओ, एग्ज़ाम होगा ही होगा। ये नहीं समझना कि एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हो तो सेमेस्टर पार करना है, तो 100% एग्ज़ाम होगा ही होगा। और एग्ज़ाम को आप सीरियस रूप में ले, क्योंकि यही आपका बेस है और इसमें जितना अच्छा परसेंटेज उठेगा वही आपको ऐड होते जाएगा। चलिए, एक बार फिर कहते हैं, जो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, उसको मत छोड़ना, बेल आइकन को ज़रूर दबा के ऑल दबा देना। थैंक यू।